दोस्तों, आज की कहानी है नई भाभी का झूठ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शादी का 5वां दिन था। रात्रि के 11 बज रहे थे, लेकिन ननद देवर से गिरी शेफाली बेसैन थी। बार बार उसकी नजर अपने कमरे की ओर जा रही थी, जहां पति बेचारे अकेले बिस्तर पर करवट बदल रहे थे। टेबल पर रखा टेप रिकॉर्डर में उस समय का फेमस सॉन्ग दिल के अरमां बज रहा था। सलमा आगा की दिलकश आवाज शेफाली सहा रही थी। कैसे इन शरारती देवर ननद से पिंड सूटे तो वह अपने पति के पास जा सके, लेकिन दूर दूर से आए रिश्तेदारी के ननद देवर सबको दूसरे दिन निकलना था। सभी नई भाभी को छोड़ना नहीं सहा रहे थे। अब इन देवर ननद को कौन समझाए दिल की बात। तभी बड़ी ननद आई। सभी छोटे देवर ननद को झिड़कते हुए बोली, रात के 1 बजने को आए, तुम लोग भी सोने जाओ और दुल्हन को भी जाने दो। बड़ी ननद की बातें सुन बड़ी मुश्किल से जमी महफिल को छोड़ सभी सोने चले गए। शेफाली के दिल को जैसे बहुत बड़ी राहत मिली। धड़कते दिल के साथ शर्म के चादर में लिपटी शेफाली अपने कमरे में प्रवेश की। पायल की रुन जुन और सूड़ी की खन खन से सुधीर का आंख खुला। टैप रिकॉर्डर बंद कर सुधीर बोला, ये भाई बहन भी ना बड़े शैतान होते हैं। शेफाली हौले से मुस्कुरा दी। पति के आगोश में होने के बावजूद उसे वह वाकया याद आ गया, जब उसके भाई की शादी हुई थी। उस समय भाभी के दिल पर क्या बीत रहा होगा वह आज शेफाली महसूस की थी। भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी, MA गांव में शायद ही उस समय कोई ग्रेजुएशन कर पाया था। शेफाली का परिवार गांव के सबसे शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में था। भाई का जॉब NTPC शक्ति नगर में था। रिश्ते तो बहुत आए थे, मगर कहते हैं जोड़ी आसमान में बनती है। सो बड़े शहर की उस शिक्षित लड़की से भाई का जब शादी हुआ तो परिवार समाज और गांव के लोग सभी भाभी की शिक्षा का बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। भाई सबसे बड़े थे, उनके पीछे अपने पास भाई बहन के अलावा ससेरे भाई बहन का भी एक बड़ा फौज था। घर के पहले और वो भी बड़े बेटे की शादी थी तो रिश्तेदार भी बहुत सारे जम कर आए थे। उस समय मर्यादा और लाज लियाज भी बहुत होता था। औरत मर्द बेटा बेटी सास ससुर बहु दामाद सभी मर्यादा का पालन करते थे।
टीन एजर्स सेफाली और उसके कुछ कजन अभी अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिला लिए थे। उमंग जवा था, घर में पहला शादी हुआ था, वो भी बड़े भाई का, प्यारी सी नई भाभी का। घर में आते ही सभी भाई बहन को जैसे एक खूबसूरत तोहफा मिल गया था भाभी के रूप में। भाभी से गप लड़ाते हुए बहुत सी अच्छी बातें जहां जानने को मिल रही थी, वहीं हंसी मजाक भी चल रहा था। माहौल बहुत खुशनुमा था, खुशियों से भरा। उस समय गांव में बिजली की आपूर्ति ढंग से नहीं होती थी, गर्मी था, चांदनी रात। सभी मिलकर भाभी को घेर कर मस्ती भरी बातों में डूबे थे। भाई दो चार बार आंगन में शक्कर काट कर वापस लौट गए थे, फिर बाध्य होकर अपने कमरे में चले गए थे। अंत में भाभी ने ही कहा था, भैया का शायद सिर दुख रहा है, इजाजत हो तो बाम लगा आऊं। भाभी के इस बहाने को सेफाली और उसकी कजिन समझ नहीं सके थे। उन्होंने भाभी को सहमति देकर उनके आने का इंतजार करने लगे थे, लेकिन भाभी नहीं आई। अंत में माँ जब आंगन आई तो सबको जगा देख सोने जाने को कही थी। भाभी का वह झूठ उस समय वे सब समझ नहीं पाए थे। पिया मिलन में बाधक छोटे छोटे देवर ननद प्रिय होने के बावजूद उस समय भाभी को भा नहीं रहे थे। ऐसा होता है, लेकिन छोटे देवर ननद को भाभी के दिल के बैसने की समझ नहीं थी। आज अपने दिल की बेकरारी को देख सेफाली को अपनी भाभी के उस झूठ का एहसास हुआ। भाभी का झूठ सचमुच बहुत प्यारा था। देवर ननद से भरा ससुराल सबको प्यारा लगता है, मगर पति के लिए इंतजार करना जितना बेसैनी भरा होता है, शायद उससे भी ज्यादा बेसैनी भरा। नई नवेली दुल्हन के लिए इंतजार का वह पल होता है, सुख की अनुभूति के साथ सेफाली शर्म से अपने मेहंदी सजे हाथ से अपने सहरे को ढक पति के आगोश में समा गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।